की कुछ बीमारियां हैं, जैसे पेट खराब है, दस्त हो गए हैं, बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, तो इसकी सबसे अच्छी दवा जीरा, आधा चम्मच जीरा चबा के खा लो, पीछे से गुनगुना पानी पी, तो दस्त एकदम बंद हो जाते हैं एक ही खुराक में। और जब बहुत ज्यादा दस्त हो, हर दो मिनट में आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, तो आधा कप कच्चा दूध ले लो बिना गर्म किया हुआ, और उसमें नींबू डाल के जल्दी से पी लो। नींबू डालोगे ना दूध फट जाएगा, फटने से पहले पीना, और एक ही खुराक लेना, बस इतने में ही खतरनाक दस्त ठीक हो जाता है, एक ही खुराक। और एक दवा बताना चाहता हूं दस्त की, ये जो बेल पत्र पर फल लगता है ना, बेल का फल, उसका जो गूदा होता है वो आप चबा के खा लो, पीछे से थोड़ा पानी पी लो, ये भी दस्त ठीक कर देता है। बेल का पाउडर मिलता है बाजार में, वो आप एक चम्मच पाउडर भून के पानी में पी लो, ये भी दस्त ठीक कर देता है। पेट अगर आपका साफ नहीं होता, कब्जियत रहती है, तो इसकी सबसे अच्छी दवा है अजवाइन। अजवाइन आप जानते हैं घर में, इसको गुड़ में मिला के चबा के खाओ और पीछे से गर्म पानी पी लो, तो पेट तुरंत साफ होता है। रात को खा के सो जाओ, सुबह उठते ही पेट साफ होता है। और एक अच्छी दवा है पेट साफ करने के लिए, बेल, ये जो होता है ना त्रिफला चूर्ण, हर बहेड़ा आंवले से बनता है त्रिफला, एक चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लो पानी के साथ रात को सोते समय, पेट साफ हो। और कुछ पेट से जुड़ी दो तीन खराब बीमारियां हैं, जैसे बवासीर, पाइल्स, हेमरॉइड्स, फिशुला, फिशर, ये सब बीमारियों में अच्छी दवा है मूली का रस। एक कप मूली का रस पियो खाना खाने के बाद, दोपहर को या सवेरे, शाम को मत पी, मूली का रस सुबह या दोपहर को खाने के बाद एक कप, तो हर तरह का बवासीर ठीक होता है, बगंदर ठीक होता है, फिस्टुला, फिशर ठीक होता है। अनार का रस पियो तो भी ठीक हो जाता है।